अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मंसूर सलीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्टर इंग्लिश न्यू बुक की सेकंड पोयम डोन क्विट की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोयम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसे आप अपनी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे मौजूद आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डोन क्विट एक इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और सिचुएशनल पोयम है जिसे 20th सेंचुरी के मशहूर मारूफ अमेरिकन पोएट एडगर ए गेस्ट ने अपनी पोएटिक कलेक्शन अ हीप ओ लिविन में 1916 में पब्लिश किया। एडगर ए गेस्ट, जिनका पूरा नाम एडगर एल्बर्ट गेस्ट है, 1881 में पैदा हुए और 1951 में वफात पा गए। अपनी 70 साल जिंदगी में एडगर ए गेस्ट ने रोजमर्रा की घरेलू जिंदगी, प्यार, मोहब्बत, मेहनत की अजमत, मुस्तकिल मिजाजी और ईमानदारी जैसे मौजूआत पर 11,000 से जायद पोएम्स लिखी। इनकी पोएट्री बहुत सिंपल और आसान होने की वजह से पूरे अमेरिका में निहायत मशहूर थी। यही वजह है कि इन्हें पीपल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी फेमस पोएटिक कलेक्शंस में जस्ट फोक्स, रिदम्स ऑफ चाइल्डहुड, लाइफ्स हाईवे एंड लिविंग द ईयर्स शामिल हैं। और अगर बात की जाए पोयम की लिटरेरी डिटेल्स की, तो ये पोयम राइमिंग कपलेट्स यानी काफियों में लिखी गई है और इसकी राइमिंग स्कीम AABBCC है। इस पोयम में टोटल 4 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा की टाइप सेस्टेट यानी हर स्टेंजा 6 लाइंस पर मुश्तमिल है। इस पोयम की टोन इंस्पिरेशनल है और थीम परसिवेरेंस है, यानी ये पोयम डिटरमिनेशन, मुस्तकिल मिजाजी और अपने मकसद पे डटे रहने का दर्स देती है। ये तो थी पोएट और पोएम्स की बेसिक डिटेल्स। अब हम बढ़ते हैं पोएम की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन की जानिब। स्टेंजा नंबर 1। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब कभी चीजें बिगड़ जाएं या चीजें खराब हो जाएं या जब कभी हालात बिगड़ जाएं, एज दे समटाइम्स विल, जैसे अक्सर बिगड़ भी जाते हैं, व्हेन द रोड्स यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल, जब वो रास्ता जिस पर तुम चल रहे हो उस पर चलना दुश्वार लगने लगे। ट्रजिंग कहते हैं सफर करने को और अपहिल कहते हैं ऊंचे नीचे दुश्वार गुजार रास्ते को। When the roads you are trudging seems all uphill, जब वो रास्ता जिस पर तुम चल रहे हो इस पर चलना दुश्वार लगने लगे। When the funds are low, जब कभी पैसे कम पड़ जाएं। And the debts are high, और कर्जे बढ़ जाएं। And you want to smile but you have to sigh, और जब तुम मुस्कुराना चाहो लेकिन तुम्हें दर्द से आहें भरना पड़े। When care is pressing you down a bit, और जब तुम्हारी फिक्रों और उलझनों का बोझ तुम्हें दबा रहा हो। Rest if you must but don't you quit, तो आराम कर लेना, अगर बहुत जरूरी हो तो भले रुक जाना, कुछ देर आराम कर लेना, but don't you quit, लेकिन हार मत मानना और अपने मकसद से एक कदम भी पीछे मत हटना। Determined यानी मुस्तकिल मिजाज रहना, अपनी मंजिल के लिए डटे रहना और अपनी कोशिशों को जारी रखना। स्टैंजा नंबर 2। लाइफ इज स्क्वायर विद इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, जिंदगी बड़ी अजीब है और इस जिंदगी में बड़े पेचोखम आते हैं, इस जिंदगी में कई टेढ़े मोड़ आते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स एक इडियम है जिसका मतलब है टेढ़े मेढ़े मोड़ या नशीब फराज, यानी जिंदगी के सफर में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है और जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव आना एक मामूल की बात होती है। ये जिंदगी जहाँ इंसान को कामयाबियाँ देती है, वहीं अक्सर नाकामियाँ भी इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो पोएट कहते हैं लाइफ इज स्क्वायर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिंदगी बड़ी अजीब है, इसमें नशीबो फराज आते हैं। एज एवरीवन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, और हम सब भी एक ना एक दिन ये बात सीख ही जाते हैं। एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट, और अक्सर हवाओं का रुख बदल जाता है और कामयाबियां नाकामियों में बदल जाती हैं। व्हेन ही माइट हैव वन हैड ही स्टक इट आउट, और जब इंसान जीत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है तभी वो नाकामियों में फंस जाता है, यानी हालात ऐसे हो जाते हैं कि जीतना इंतहाई दुश्वार हो जाता है और इंसान स्टक हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि आगे सारे रास्ते बंद हो गए हैं और कामयाबी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। डोंट गिव अप, लेकिन तब भी हारना मत। डोंट गिव अप दो द पेस सीम्स स्लो, भले ही पेस यानी रफ्तार क्यों ना कम हो जाए या भले ही क्यों ना अपनी रफ्तार को कम कर लेना, बट डोंट गिव अप, लेकिन हारना मत। यू मे सक्सीड, तुम जरूर जीतोगे। यू मे सक्सीड विद अनदर बिलो, तुम जरूर जीतोगे, बस एक कोशिश और करना। तुम आज नहीं तो कल जरूर कामयाब होगे, अगर पहली नहीं तो दूसरी कोशिश तुम्हें जरूर कामयाब कर देगी। स्टेंजा नंबर 3।
Often the goal is nearer than. अक्सर हमारा गोल, हमारी मंजिल या हम मकसद के बहुत करीब होते हैं. It seems to a faint and flattering man. लेकिन थके हुए बेहाल शख्स को अपनी मंजिल बहुत दूर लगती है. Often the struggler has given up. और अक्सर मेहनत करने वाला हार मान लेता है, वो थक जाता है, वो रास्ता छोड़ देता है या वो मुकाबला छोड़ देता है. When he might have captured the victor's cup. And उस लम्हे जब वो अपनी कामयाबियों का इनाम समेटने वाला होता है. एंड ही लर्नड टू लेट. और उसे ये बात बहुत देर में जाके समझ आती है. व्हेन द नाइट स्लिप डाउन. लेकिन जब तक रात गुजर जाती है, पानी सर से ऊंचा हो जाता है और फिर इंसान को एहसास होता है हाउ क्लोज ही वॉज टू द गोल्डन क्राउन, के कितना करीब था वो उस गोल्डन क्राउन के, कितना करीब था वो अपनी कामयाबी के. स्टैंजा नंबर 4. सक्सेस इज फेलियर टर्नड इनसाइड आउट. हर नाकामी के अंदर कामयाबी जरूर छुपी होती है. यानी जो नाकाम नहीं होता वो कभी भी कामयाब नहीं होता. दुनिया के बड़े बड़े लोग अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियों के बाद ही कामयाबी की सीढ़ी पर चलते हैं. नाकामी ही इंसान को सिखाती है कि कामयाब कैसे होना है, कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना है. और कामयाबी ही इंसान को सिखाती है कि वो कौन कौन से रास्ते हैं जिन पर चलना है. लिहाजा पोएट कहते हैं सक्सेस इज फेलियर टर्नड इनसाइड आउट. हर नाकामी के पीछे कामयाबी जरूर छुपी होती है. द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट. हर शक के बादल के पीछे उम्मीद की किरण छुपी होती है. सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट एक idiom है. एंड यू कैन नेवर टेल हाउ क्लोज यू आर. और आप ये कभी बता भी नहीं सकते कि आप कामयाबी के कितना करीब आ गए हैं. यानी आपको शक हो रहा होता है, आपके जहन में तफर्रुकात होते हैं, आपके जहन में उलझने होती हैं और आपको लगता है कि कामयाबी कभी भी नहीं आएगी. लेकिन शक के बादल होते हैं, इन्हीं बादल के पीछे, इसी अंधेरों के पीछे रोशनी की किरण होती है. एक काली घटा छाई भी होती है जो कि खौफ पैदा कर रही होती है कि शायद अंधेरी रात कभी नहीं गुजरेगी. लेकिन उन्हीं काले बादलों के पीछे रोशनी की किरण छुपी होती है. जब वो वक्त गुजरता है, वो बादल हटते हैं और फिर रोशनी की किरण झांकती है. इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार. अक्सर कामयाबी निहायत करीब होती है लेकिन ये बहुत दूर नजर आती है. सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट. तो बस जुड़े रहो उस लड़ाई से, बस डटे रहो मैदान में, चाहे कितनी ही जोर की मार क्यों ना पड़े, कितनी ही परेशानियां क्यों ना उठाना पड़े. इट्स व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्टन्ट क्विट. क्योंकि सबसे मुश्किल वक्त में डटे रहना, अपने मकसद से जुड़े रहना और हार ना मानना ही असल कामयाबी है. क्योंकि जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ जाते हैं, उसी वक्त मैदान छोड़कर ना भागना ही असल फतह की निशानी होती है. तो ये तो थी हमारी फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पोयम नंबर 2 डोंट क्विट की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन. आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो या कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं. और अगर आप इस पोयम में यूज होने वाली पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का.